अब ये नाजायज होगा कि मैं सिर्फ अपने ही जैसे ओपनर पिक कर लूं और जो और बिग हिटर है उनको ना पिक करूं। तो मुझे लगता है कि जो नीचे लोअर ऑर्डर में कंट्रीब्यूट करते हैं, सब आप सबको जानते हैं कि एमएस धोनी को कोई नहीं भुला सकता जैसी पारियां उन्होंने खेली है। बट मैं चाहता हूं कि एमएस धोनी तो हैं ही हैं, उनके अलावा मैं और कुछ ऐसे बिग हिटर पिक करूँ आज की डेट में जो सबसे आगे चल रहे हैं इस टूर्नामेंट अभी T20 में। मुझे लगता है वो एंड्री रसल है। एंड्री रसल भी दिल्ली में मेरे साथ खेले थे, उस समय मैंने उनको एक बात ये ज़रूर कही थी कि क्या आप ओपनिंग कर सकते हैं T20 मुकाबलों में, तो उन्होंने उस समय तो नहीं की, लेकिन कुछ सालों बाद CPL में उन्होंने ओपनिंग की और एक नहीं दो या तीन शतक बनाए अपनी डोमेस्टिक टीम के लिए वहाँ पर, और उनको टूर्नामेंट भी जिताया। तो अब मैं ये देखना चाहूँगा कि यहाँ पर इंडिया में आकर जो T20 टूर्नामेंट खेलते हैं क्या उसमें वो ओपनिंग करने आ सकते हैं। मुझे लगता है कि जो उनकी जो पावर हिटिंग है वो उनका हेड और उनका बॉडी पोस्चर जो है इतना स्टिल रहता है कि जब वो बैट रखते हैं ना, वो बैट तब उठाते हैं जब गेंद डिलीवर हो जाती है, उसके बाद बैट उनका ऊपर जाता है और फिर वो एक फ्लो जो जैसे गोल्फ का स्विंग बनता है ना वैसा उनका स्विंग बनता है, और उस स्विंग में जो भी बॉल कनेक्ट होती है वो ग्राउंड के अंदर नहीं गिरती। तो मैं बहुत अमेज हूँ कि जिस प्रकार की पावर हिटिंग एंड्री रसल करता है और कंसिस्टेंट कर रहे हैं, कि हमने कितनी बार देखा 17 बॉल पे 46, 20 बॉल पे 40, ऐसे उनको रन बनाते हुए। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका स्विंग इसलिए आता है, ये उनका जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है उससे भी आता है, और उनका जो जो फोकस है जो जब वो बॉलर को देखते हैं बॉलर के हाथ को देखते हैं तभी वो शायद वो हिलते नहीं हैं। आपने शायद नोट नहीं किया हो बट ये नोट करने वाली बात है कि वो बैट उनका नीचे रहता है, जब बॉल डिलीवर होती है तब ऊपर जाता है और फिर वो शॉट लगाते हैं, जो बैट के बीच में लगी वो दूर जाता है। प्रैक्टिस करना उन्हें भी पसंद नहीं है क्योंकि वो कहते हैं कि जब वो प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस में ख़राब शॉट मारते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो ये जब एक खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में, हम प्रैक्टिस क्यों करते हैं, हम जब बच्चे होते हैं तो खेल को सीखने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। जब आपने खेल सीख लिया है तो मुझे लगता है कि तब आप सिर्फ अपने मेंटल अच्छे स्पेस में रहोगे एक कॉन्फिडेंस के साथ, तो सब आप बेहतर प्रदर्शन करोगे, क्योंकि क्रिकेट में बैटिंग इज़ ऑलवेज मेंटल। कि अगर आप मेंटली फिट हैं, अगर आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी बैटिंग के लिए, क्योंकि मेंटली इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो आपकी शॉट सिलेक्शन होती है वो आपको बड़ा प्लेयर बनाती है। किस बॉल को मारना है, किसको रोकना है, किसको छोड़ना है, किस पे सिंगल लेना है, किस पे चौका या छक्का मारना है, शायद उस वजह से आप बड़े प्लेयर बनते हो, और वो सिर्फ मेंटली होता है, प्रैक्टिस करके नहीं आता।